तो हाय फ्रेंड, आप लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि आज मेरे पति के दोस्त आए हैं और खुद आप लोग सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, कि मेरे पति के बारे में क्या बता रहे हैं मुझसे। और आप लोग पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा, आप लोग पूरा वीडियो जरूर सुन लीजिए वो क्या कहे हैं। आप लोग अपनी सलाह दें क्या उनकी बातें सही हैं या गलत है, तो उनकी बातें कैसी लगे, तो आप लोग खुद सुन लीजिए हमारे पति के बारे में, हमारे पति के दोस्त क्या कह रहे हैं। कहाँ मारते है बहनी? राधिया मार रही है, अपनी नानी को मार रही है, अपनी मामी को मार रही है, डंडे से डंडा छीन रही है। डंडा दे ते मरवे, सबके मरवे। घाव लग जा रहे, बड़ी भारी डंडा बाटे। छोड़े मछुड़े छुड़े ते छोड़े अब डंडा छीन ले लो, तब मुंह से काटी। अरे आराधा, अपने घर जा, अपने घर जा। दादा मार घर कहा बात है ना, जा यही लड़के रह सारा देह हम के मार के रह बा दर्दी है मार के रह बा। तो नानी का की है आज देखिए, इसकी नानी मार दी है तो राधे अब गुस्सा होकर मेरे पास आ रही है। राधे क्या हुआ है, नानी क्या कह रही है? नानी क्या कह रही तुम्हारी नानी? नानी का बोलो, इसमें क्या कह रही तुमको मारने के लिए? मारने के लिए बोल रही थी। झूठा इल्जाम लगाता ना, झूठा इल्जाम देख रहे दोस्तों, राध्या के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। राध्या किसी को मारती नहीं है, जा रही है। देखिए दो डॉगी आया है, डॉगी खदेड़ने जा रही है। क्या देखिए, डंडा ले रही है, बैक कैमरा करके दिखा रहे है। देखिए डंडा लेकर जा रही है मारने। नहीं मारा जाता है बाबू, नहीं मारो। देखिए दौड़ा लिया डंडा लेकर। अरे दोस्तों देखिए मार रही है राधे, आली आली चार डंडा मार दिए, छोड़ दिए हम, छोड़ दिए हम, नहीं मारी हम, नहीं मारी हम, खाना बना नहीं दे रहे। को भी मार रहे, अपनी मामी को भी मार रही है। देखिए राधिया गुंडा बन कर गई, किसी से डर नहीं रही है। अरे खाना नहीं, राध्या गंदी बात नहीं मारा जाता है राध्या। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से बताने जा रही हूँ कि आज मेरे घर हमारे हस्बैंड के एक पुराना, बहुत ही पुराना दोस्त आए थे। वो इनके जब से मेरे शादी तब से उनके साथी में उनका दोस्ती था, लेकिन वो 2-3 साल के लिए बाहर चले गए थे। बाहर से आए तो पहले मेरे घर आए और हमारे हस्बैंड का बारे में पूछने उछने लगे कि उनसे बात होता है कि नहीं। तो हमने बोला कि उनसे बात होता, अब कुछ भी नहीं होता है और उनका मुकदमा हो गया, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो सभी बात बताएं उनके बारे में, हमारे पति क्या किया है, हमारे साथ क्या नहीं किया है, सारा उनका सच्चाई बता। कहे बहुत उन्होंने गलत किया है आपके साथ, अपना उनका नंबर दीजिए अपने पति का, मैं उनसे बात करूँगा, समझाऊँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो जो हमारे पति का नंबर ले गए, क्योंकि वो भी उन्हीं के दोस्त हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं, उनके तरह नहीं ये कर, हम अपने हिसाब से उनको समझाएंगे, ऐसा नहीं उनको अपने करना चाहिए था। 2 बच्चे हैं और आप भी पढ़ी लिखी समझदार हैं, आपको आपके साथ उनको ऐसा नहीं कर। तो ही नंबर वंबर ले गए हमारे पति का, बोले हैं समझाएँगे कि अच्छे से रख। अब क्या समझाने से फ़ायदा, जब सब कुछ अब मुकदमा भी हो गया है इतना, अब तो अब वो समझने वाला इंसान रहा होता तो बहुत पहले ही समझ गया होता। अब तो बहुत लेट भी हो गया है, वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत लोग उसे समझा समझा कर हार चुके हैं। तब सोचे शायद उनका पुराना दोस्त है, कितने लोग होते हैं दोस्त का मात मानते हैं, पुराने दोस्त हैं शायद उनका बात, बहुत खास दोस्त हैं हमारे पति के। बहुत ही लोग आपस में उन सब का संबंध खास था, रहता था दोनों दोस्त का। तो ले गए हैं, देखते हैं बात करते हैं लोग आपस में क्या समझते, कहते हैं अगर बात होगा समझेंगे, हम फिर आएंगे आपके घर दोबारा। वो आए थे, उनका वीडियो हम इसलिए नहीं बनाए हैं
कि जानते हैं कि सभी लोग को वीडियो में लाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम उनको अपने वीडियो में नहीं लाए हैं। तो इसीलिए सोचे आप लोगों से बता देंगे। तो हमारे मम्मी भी थी, हमारे मम्मी से पहले पूछे, हम तो घर में थे तो बुलाए हमारा नाम लेकर, तो मम्मी कहे कि घर में, तो मम्मी भी सारा बात बताई है। तब हम आए हैं तब बताए अपने बारे में, तो कह रहे नहीं बाबू अब हमारे घर और आते नहीं है, बहुत दिन से हम लोग बहुत धोखा खा दिए हैं। हाँ तो आदमी का कर, तो यही बात है दोस्तों, बहुत लोगों से समझा कर हार गए, अब इनके खास दोस्त भी अब समझाने में लगे हैं, देखे क्या होता है क्या नहीं। तो अभी आगे का वीडियो आप लोग देख बने रहिएगा, आप लोग कहीं जाइएगा मत। तो देख सकते हैं दोस्त हमारे पापा खाना खाने जा रहे हैं, इधर खाने से पहले वो पूजा कर लेते हैं खाने का, तब खाना खाते हैं। इधर रोटी है, चोखा है, दाल है, खाना का पूजा करके खाना खाते हैं हमेशा। इधर आराध्या देखिए चना खा रही है, इसकी नानी खेत से हरा हरा चना लाई है, नानी और आराध्या लोग मिलकर चना खा रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों आराध्या क्या खा रही है, मटर खा रही थी और खा गई, थोड़ा सा बचा है। इधर इसकी नानी खा रही है आराध्या की। इधर देखिए इधर गिलास में चाय है रेड वाला, मटर है, सरसों में बैठ कर खा रही है। आराध्या क्या खा रही हो, क्या खा रही हो आराध्या? हमको नहीं दोगी? हमको नहीं दोगी खाने के लिए तुम? आ ये भगवान हमको करे नहीं देगी, कह तो मामू लोग आप लोग खाएंगे, कह आप लोग मटर खाते हैं खाना। तो इधर देख सकते हैं मम्मी बैठकर आराम से खा रही है अकेले अकेले, नाती ना नानी लोग बैठकर अकेले अकेले खा रही हैं, हमको नहीं पूछ रही हैं लोग। देखो देखो तुम बोलोगे कैसे हैं आप लोग मामू लोग।